हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू गाइस अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे जो है वीडियोस में देखा होगा कि लोग क्या करते हैं कि जो ये यूपीएस होता है हमारा, ये कंप्यूटर यूपीएस, इसका जो है इन्वर्टर वगैरह जो अंदर का जो ट्रांसफार्मर होता है, जो सर्किट होता है, उसे बाहर निकालते हैं और एक बॉडी में सेट करते हैं और उससे जो है दोस्तों इन्वर्टर बनाते हैं। ठीक है, नॉर्मली समझिए, उसके बॉडी को हटा देते हैं, बैटरी जो होता है दोस्तों उसको हटा देते हैं, उसको एक इन्वर्टर, प्रॉपर इन्वर्टर की तरह दोस्तों जो है लुक देकर और उसे सेट करते हैं एक बड़े बैटरी में और उसे यूज़ करके अप्लायंसेस को चला कर दिखाते हैं। बट उसके पीछे दोस्तों वो लोग जो है दोस्तों चार्जिंग नहीं दिखाते हैं कभी भी कि यूपीएस जो है दोस्तों बैकअप तो दे रहा है, ठीक है, हमारा अप्लायंस चल रहा है, लेकिन वो बैटरी को चार्जिंग जो है दोस्तों वो नहीं दिखाते हैं कि बैटरी हमारा चार्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है दोस्तों। तो मैं यहाँ बता दोस्तों कि जो भी वीडियोस बनता है दोस्तों वो सब सिर्फ जो है दोस्तों वो फेक वीडियो होता है, ठीक है। हाँ, यूपीएस से आप जो है दोस्तों एक नॉर्मली आप अलग से बैटरी ऐड करके उसको जो है जो डीसी सोर्स है उसे आप एसी सोर्स कर सकते हैं। ये इस यूपीएस का ये सिर्फ यही काम होता है, ठीक है, आप कर सकते हो, उसे अप्लायंस चला सकते हो, लेकिन इसकी भी जो है दोस्तों एक लिमिट है कि कितना ये चलाना है, इसको उसी के हिसाब से दोस्तों जो है कस्टमाइज किया रहता है, बनाया रहता है। अगर आप इसके यूपीएस के ट्रांसफार्मर को देखोगे, ठीक है, मेरे हाथ में ट्रांसफार्मर है दोस्तों, कितना छोटा है, बहुत ही छोटा ट्रांसफार्मर है, देखिए मेरे हाथ में देखिए, बहुत छोटा ट्रांसफार्मर है। और इसकी कैपेसिटी जो है दोस्तों मैक्सिमम 100 वाट से ज़्यादा ये लोड लेने वाला नहीं है ट्रांसफार्मर। अब चार्जिंग दोस्तों आप छोड़ ही दो कि इससे जो है दोस्तों बड़ा बैटरी जो है चार्ज होगा कि नहीं होगा, इसको दोस्तों जो है डिज़ाइन किया रहता है हमारे कंप्यूटर के पर्पज़ के लिए कि इवन जब भी पावर जाए तो हम जो भी कंप्यूटर पे प्रोग्राम कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, हमें जो है फाइल अटेंडम कंप्यूटर हमारा बंद ना हो, बस हमें एक 10 मिनट 15 मिनट का जो है एक बैकअप मिलता है ताकि हम अपना कोई भी प्रोग्राम को बंद कर सकें, फाइल को बंद कर सकते हैं, वो हमारा फाइल क्रैश ना हो, बस सिर्फ यही यूपीएस का दोस्तों जो है काम है कि हम इन्वर्टर को दोस्तों जो है अटेंडम बंद नहीं करता है। और इसके अंदर जो बैटरी लगा रहता है दोस्तों 7 एम्पियर का लगा रहता है, सूखा से लगा रहता है, जो कि दोस्तों अगर वो फुल डिस्चार्ज होता भी है तो ये जो यूपीएस है उसको चार्ज करने में 10-10 घंटे समय लगता है दोस्तों, तब जाके वो जो छोटा सा जो बैटरी है इसके अंदर वो चार्ज होता है। और इससे दोस्तों जो है बड़ा बैटरी कभी भी चार्ज होने वाला नहीं है, इस ट्रांसफार्मर के थ्रू दोस्तों कभी वो जिंदगी में भी चार्ज होने वाला नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि मैं भी वीडियोस बना सकता था, ठीक है, मेरे पास भी बहुत सारा जो है इस तरह का जो यूपीएस दोस्तों पड़ा हुआ है, मैं भी वीडियोस बना के आपको जो है दिखा सकता था, बट वो चीज़ सही नहीं होगा। मैं आपको एक वीडियो जो दोस्तों बना भी दूंगा कि बैटरी चार्ज होता है कि नहीं होता है इससे, बस वीडियोस बनाने का मेरा मकसद यही था दोस्तों कि यूपीएस से सिर्फ और सिर्फ आप जो है एक्सटर्नल बैकअप ले सकते हैं आप बड़े बैटरी में ऐड करके, बट आप उससे दोस्तों जो है चार्जिंग और फुल इन्वर्टर की तरह दो है दोस्तों यूज़ में नहीं ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि इसकी जो कैपेसिटी होती है लोड लेने की मैक्सिमम 150 वाट होता है, 150 वाट से ज़्यादा लोड नहीं ले सकता है। आप 150 वाट दोस्तों जो है अलग से बैटरी लगाकर, आप बड़ा बैटरी लगाकर दोस्तों चलाओगे तो बैकअप तो आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों ये जल जाएगा, फूक जाएगा, क्योंकि जो है आप 10 मिनट 15 मिनट कंप्यूटर के हिसाब से तो ये तो लोड ले लेगा, लेकिन जब बात होगी 1 घंटा 2 घंटा के बैकअप के लिए, कंटिन्यू लोड के लिए, तो ये जो ट्रांसफार्मर है आपका बर्न हो सकता है, मॉस्फेट ख़राब हो सकता है, आपका जो सर्किट है दोस्तों वो ख़राब हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, तो थोड़ा सा मे भी डेंजर है, ख़राब होने के चांसेस है, रिक्स है। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि उस तरह का जो है आप कोई भी जो है वीडियोज़ में देखते हैं और वो जो है यूपीएस बनाते हैं इन्वर्टर यूपीएस के सर्किट से और ट्रांसफार्मर से, तो आप कभी भी कोशिश ना करें बनाने का, थोड़ा सा रिस्की है, मैं टेक्नीशियन हूँ तो मैं आपको प्रिफर करूँगा कि आप ना बनाएं, ठीक है, आप छोटा मोटा चीज़ कर सकते हो उससे बस जनरली। तो वीडियो बनाने का दोस्तों मकसद यही था कि बी केयरफुल, और कोई भी कमेंट वगैरह, कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर वीडियोज़ जो है बनाने की कोशिश किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।